हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर आज हम देखेगा मैथ के क्वेश्चन जो हर डेली हम देखते हैं वो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 12 16 6 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 4 6 मतलब क्या दे रखा है कि 12 16 और 6 का हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है और उस उसके बाद फोर और सिक्स का हमें थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है ठीक है तो इसको हम कैसे निकालेंगे सिक्सटीन मल्टीप्लाई बाई सिक्स डिवाइडेड बाई ट्वेल्व तो ये कितना आ जाएगा इसका फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाएगा एट और इसका थर्ड प्रोपोर्शन कितना आएगा तो इसका स्क्वेयर डिवाइडेड बाई फोर ये कितना आ जाएगा तो नाइन इसका थर्ड प्रोपोर्शनल आ जाएगा और इनको क्या निकालना है हमें रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शनल एंड थर्ड प्रोपोर्शनल तो इनका रेशियो कितना आएगा एट रेशो नाइन इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ठीक है उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि द एवरेज ऑफ एक्स ऑकरिंग सेवन टाइम्स इज थर्टी सेवन ऑल्सो द एवरेज ऑफ एक्स ऑक एंड वाई ऑक इज थर्टी फाइव द वैल्यू ऑफ वाई इज हिंदी में देखिएगा कि क्या है x के पांच बार और y के सात बार होने पर औसत कितना है सैतीस है तो फाइव एक्स प्लस सेवन वाई सेवन वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा थर्टी सेवन इन टू ट्वेल्व ये ट्वेल्व क्यों आया क्योंकि सात और पाँच इनका जो एड एडिशन होगा वही इसका एडिशन होगा ठीक है और उसके बाद ये रखा है कि एक्स के सात बार मतलब सेवन एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल्स टू थर्टी फाइव इंटू ट्वेल्व ठीक है अब इसको हम सोल uh, करेंगे सोल करेंगे तो हम एक्स को हमें वाई की वैल्यू निकालनी है तो एक्स को इक्वल कर लेंगे और वाई एक्स uh, को इक्वल करके काट देंगे तो इसको हम किससे सेवन से मल्टीप्लाई से करेंगे और इसको फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी फाइव से और इसको भी सेवन से और यहाँ भी किस सेवन से और फाइव से ठीक है उसके बाद देखिएगा ये कितना हो जाएगा यहाँ पे ये सतु सत्य इसको माइनस करेंगे साइन इसके चेंज करेंगे सब्ट्रैक्ट करते वक्त तो उनचास से पैंतीस सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो कितना आ जाएगा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर वाई इज इक्वल्स टू कितना आएगा थर्टी सेवन ट्वेल्व इंटू सेवन माइनस थर्टी फोर फाइव इंटू ट्वेल्व इंटू फाइव उसके बाद देखिएगा इसको हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से ट्वेंटी फोर वाई इजिक्वल टू ट्वेल्व हमने कॉमन ले लिया थर्टी सेवन इंटू सेवन माइनस थर्टी फाइव इंटू फाइव अब इसको इससे कैंसिल आउट टू वाई इज इक्वल टू थर्टी सेवन सतुस्त उनचास चार सत्य इक्कीस और चार पच्चीस माइनस 5, पाँच पच्चीस दो पाँच पंद्रह और दो सत्रह ये आ गया और उसके बाद इसको वाई की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगी यहाँ से जो आएगी तो ये एटी फोर डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल्स टू फोर्टी टू है ये एक्स की वाई की वैल्यू आ जाएगी तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इफ़ थ्री को स्केयर एक्स माइनस टू साइंस स्केयर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस जीरो पॉइंट सेवन फाइव एक्स की क्या वैल्यू होगी तो थ्री को स्केयर एक्स माइनस टू साइंस स्केयर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस जीरो पॉइंट सेवन फाइव का मतलब है थ्री बाय फोर जीरो पॉइंट सेवन फाइव को अगर हम डिवाइडेड बाई सो करके करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा थ्री बाई फोर ठीक है हम जो ये को स्केयर एक्स है इसको हम क्या लिख सकते हैं तो थ्री इंटू वन माइनस साइंस स्केयर एक्स इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस टू साइन स्केयर एक्स इज इक्वल्स टू थ्री बाई फोर माइनस का है ये और यहाँ पर भी ये एक्स है ठीक है चलिएगा अब इसको सोल्व करते हैं अंदर मल्टीप्लाई करके थ्री माइनस थ्री साइंस केयर एक्स माइनस टू साइंस स्केयर एक्स इज इक्वल टू माइनस का थ्री बाई फोर ये कितना हो गया माइनस का फाइव साइंस स्केयर एक्स हो गया और इसको करेंगे तो थ्री प्लस थ्री बाई फोर इज इक्वल टू फाइव साइंस स्केयर एक्स ये कितना आ गया पंद्रह बटे चार फिफ्टीन बाई फोर इज टू फाइव साइंस एक्स फाइव से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो जो साइन एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी रूट थ्री बाई टू जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी सिक्सटी uh, डिग्री जो साइन सिक्सटी है उस पर साइन एक्स uh, की वैल्यू क्या होगी थ्री रूट थ्री बाई टू इसकी वैल्यू होगी तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी सिक्सटी डिग्री ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर इसमें क्या दे रखा है कि बिंदु पी ओ वाले एक वृत्त के बाहर स्थित है ये एक वृत्त है सर्कल है ये और इसका केंद्र क्या है ओ इसका केंद्र है और इसके बाहर एक पी बिंदु स्थित है जिससे स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी क्रमशः ए और बी पर वृत्त से मिलने के लिए खींची जाती हैं तो ये है ये स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं ये यहाँ से ऐसे ए और बी ठीक है उसके बाद क्या दे रखा है कि यदि एंगल ए पी बी एंगल ए पी बी ये कितने डिग्री दे रखा है ये अस्सी डिग्री दे रखा है तो एंगल ओ ए बी का मान बताइएगा एंगल ओ ए बी का मान हमें फाइंड आउट करना है ठीक है तो देखिएगा ये जो एंगल होता है इसको आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये जो एंगल होता है ये इस एंगल का हाफ होता है ठीक है कितना होता है ये हाफ इस एंगल का होता है तो फोर्टी हो गया और आमने सामने के एंगल हैं तो इसलिए ये जो एंगल है ये भी फोर्टी हो गया और ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा वन हंड्रेड डिग्री क्यों हो जाएगा क्योंकि जो ये एंगल है ये ट्राइंगल के तीन एंगल हो गए और जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है ट्राइंगल के वन एटी डिग्री तो एटी डिग्री और ये हंड्रेड का ये हो गया तो वन एटी डिग्री हो गया इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा जो ये एंगल पूछ रखा है हमसे इसकी जो होगी होगी वो ठीक हो है उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि एक व्यापारी एक वस्तु को उसकी मूल्य से सोलह परसेंट कम पर बेचता है यदि वह इसे एक सौ बानवे पॉइंट बीस रुपये अधिक में बेचता तो उसे पंद्रह परसेंट का लाभ होता वस्तु का क्रय मूल्य क्या है इसमें क्या कह रखा है कि उसने जब पहले वस्तु खरीदी है तो उस उसका मूल्य जो है उसका उससे 16 परसेंट कम पर बेचता है वो उसको और अगर वो उसे एक सौ बानवे पॉइंट बीस में बेचता रुपए अधिक में बेचता तो उसे कितना लाभ होता 15 परसेंट का तो पहले उसको 16 परसेंट की हानि हो रही थी और अब 15 परसेंट का उसे प्रॉफिट हो रहा है तो उसे कवर क्या करना है जो एक सौ बानवे पॉइंट बीस रुपये अधिक में वो बेचेगा तो वो कितना कवर करेगा सोलह परसेंट की जो हानि हो रही है उसको भी कवर करेगा और जो 15% का लाभ हो रहा है उसको भी कवर करेगा ठीक है तो टोटल कितना कवर करेगा टोटल 31% वो कवर करेगा तो जो ये 31% होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा 192.20 के इक्वल हो जाएगा 31% और यहाँ से अगर हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हंड्रेड परसेंट की वैल्यू यहाँ से छ सौ बीस आ जाएगी जब हम इसको काटेंगे तो हंड्रेड परसेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी छह सौ बीस ठीक है तो इसका जो क्या होगा वस्तु का क्रय मूल्य कितना है छह सौ बीस रूपये है क्रय मूल्य तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है क्वेश्चन नंबर सिक्स एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से पैतालीस परसेंट लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं यदि साठ परसेंट लड़के और सत्तर परसेंट लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है क्या दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर है ये सिक्स जो बॉय हैं वे कितने हैं पैंतालीस परसेंट बोए हैं तो गर्ल होंगी वो कितनी होंगी फिफ्टी फाइव परसेंट होंगी ठीक है और इनको अगर हम रेशो में तोड़ेंगे तो नाइन रेशो इलेवन में होंगी ये उसके बाद क्या दे रखा है कि यदि साठ परसेंट लड़के पास होंगे तो फोर्टी परसेंट लड़के क्या होंगे फेल होंगे फोर्टी परसेंट लड़के फेल होंगे उसके बाद अगर थर्टी परसेंट लड़कियाँ पास होंगी तो थर्टी परसेंट जो हैं सेवेंटी परसेंट पास होंगी तो थर्टी परसेंट फेल होंगी यहाँ से हम जे एस एम के मेथड से निकालेंगे तो थर्टी परसेंट को हमने बेस मान लिया प्लस ये कितना फालतू है कितना ज्यादा है दस ज्यादा है और किसके रिस्पेक्ट में नाइन के रिस्पेक्ट में तो नब बटे केक बटेगी तो सब में बटेगी क्या है एलेवन और नाइन ट्वेंटी तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये क्या जाएगा थर्टी परसेंट प्लस फोर पॉइंट फाइव और टोटल हमारा जो आंसर आएगा ये क्या आएगा थर्टी फोर पॉइंट फाइव परसेंट आ जाएगा तो जो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र हैं उनका प्रतिशत क्या है थर्टी फोर पॉइंट फाइव उनका प्रतिशत है ठीक है तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा उसके बाद क्वेश्चन से नंबर सेवन देखिएगा क्वेश्चन से नंबर सेवन क्या है मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज फाइव टाइम्स ऑफ मोड इफ मीडियन इज इलेवन वट इज द मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें क्या दिया गया है कि जो मोड मीन है वो किसी ऑब्जर्वेशन का फाइव टाइम्स ऑफ मोड है तो मीन इज इक्वल्स टू फाइव टाइम्स ऑफ मोड और जो मीडियन दे रखा है ये कितना दे रखा है मीडियन दे रखा है इलेवन देन वट इज़ द मोड ऑफ कंजर्वेशन हमें क्या निकालना है मोड निकालना है हमारे पास जो मोड़ निकालने का फॉर्मूला होता है ये क्या होता है मोड इज इक्वल्स टू थ्री इंटू मीडियम माइनस टू इंटू मेन इसका फॉर्मूला होता है यहाँ से अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो थ्री इंटू मीडियन मीडियम की वैल्यू कितनी है इलेवन तो माइनस टू इंटू मोड़ की जगह हम क्या लिख देंगे मीन की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे फाइव इंटू मोड वैल्यू फाइव मोड के इक्वल है मीन तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी थर्टी थ्री और ये जो टेन मोड है ये इस साइड आकर कितना हो जाएगा इलेवन मोड हो जाएगा तो जो मोड की जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी थ्री मोड की वैल्यू आ जाएगी तो हमें क्या निकालना है वॉट इज द मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन तो थ्री हमारा ये क्या होगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर एट इसमें क्या दे रखा है ए और बी एक साथ एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं तो जो ए और बी हैं ये मिलकर कितने दिनों में पूरा करते हैं 20 दिनों में पूरा करते हैं जबकि बी और सी मिलकर इसे 24 दिनों में पूरा करते हैं बी और सी मिलकर कितने दिनों में 24 दिनों में तो टोटल वर्क हमने कितना मान लिया एक सौ बीस बीस छिक्का एक पंजे एक और इनकी जो एफिशियंसी गई वो कितनी आ गई सिक्स और इसकी एफिशियंसी फाइव उसके बाद देखना है कि यदि ए सी से तो अच्छा काम करने वाला है ये जो ए की एफिशिएंसी है और सी की एफिशिएंसी है उनका रेशियो कितना दे रखा है टू रेशियो वन दे रखा है अब इसमें देखिएगा कि इन ए और बी हैं, इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है सिक्स है लेकिन अकेले ए की एफिशिएंसी कितनी है टू है अगर हम यहाँ पे टू ए की एफिशिएंसी पुट करेंगे तो यहाँ से बी की एफिशियंसी कितनी हो जाएगी ऑटोमेटिकली फोर उसके बाद जो यहाँ पर है सी की एफिशिएंसी कितनी है वन है और यहाँ पर बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी फोर तभी तो इनकी मिलाकर फाइव होगी तो जो बी की एफिशिएंसी वो कितनी आ गई ए रेशियो इनकी जो एफिशिएंसी का रेशो है ये कितना आ गया तो टू रेशियो फोर रेशियो वन इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया उसके बाद क्या कह रखा है कि तो बी अकेले उसी कार्य का फोर्टी परसेंट कितने समय में करेगा जो एक सौ बीस है इसका फोर्टी परसेंट कितना हो जाएगा इसका फोर्टी परसेंट फोर्टी एट हो जाएगा फोर्टी एट काम अब भी को करना है और कितनी एफिशिएंसी से करना है तो फोर की एफिशिएंसी से करना है तो कितनी उसमें कर देगा बारह दिन में ये कंप्लीट उस काम को कर देगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन क्या दे रखा है कि हाउ मैनी नंबर आर देयर फ्रॉम थ्री हंड्रेड टू सिक्स फिफ्टी विच इज विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय बोथ फाइव एंड सेवन अगर हमें देखना है कि फाइव एंड सेवन से कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए तो हमें किस से डिजिबल देखना पड़ेगा थर्टी फाइव से मतलब जो इनके एलसीएम से जो डिविजिबल होगा वो इन इन से दोनों से भी डिविजिबल होगा ठीक है तो इसमें फर्स्ट कौन सा नंबर है तीन सौ है इसको हम पैंतीस से डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो साढ़े छः सौ है इसको भी हम पैंतीस से डिवाइड करेंगे जो ये जाएगा तो अगर इसको टेन टाइम्स करेंगे तो ज़्यादा जाएगा तो ये कितने पर आएगा नाइन पर और ये कितने पर आ जाएगा तो ये एटीन एटीन का मल्टीपल होगा इसका उसके बाद क्या है कि ये इससे कितने पूर्णता विभाजित हैं? तो क्या करेंगे ये जो फाइनल है एटीन है जो ज़्यादा आया है टोटल नंबर ऑफ निकालने के लिए क्या करेंगे एटीन माइनस नाइन प्लस वन इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा टेन नंबर जो हैं ये इससे डिविजिबल होंगे तीन सौ और चार सौ के बीच दस ऐसे नंबर होंगे जो कि 5 और सात से पूर्णतः विभाजित होंगे ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट है टेंथ क्वेश्चन द सम ऑफ़ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 18 सेंटीमीटर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज़ 792 सेंटीमीटर स्क्वेयर व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर तो देखिएगा ये सिलेंडर है एक ये एक सिलेंडर है ठीक है उसके अंदर ये जो इसका फॉर्मूला होता है इसका सरफेस एरिया कितना होता है टू पाई आर होता है इसका सरफेस सरफेस एरिया टू पाई आर एच और ये इसका हो गया पाई आर स्क्वायर इसका पाई आर स्क्वायर तो कितना हो गया टू पाई आर स्क्वायर यहाँ पर इसका पाई आर स्क्वायर है और इसका पाई आर स्क्वायर है और इसका कितना है टू पाई आर एच है तो यहाँ से क्या करेंगे टू पाई आर को कॉमन ले लेंगे और कितना बच जाएगा आर प्लस एच बच जाएगा ठीक है ये क्या है इसका सरफेस एरिया है टोटल सरफेस एरिया है टू पाई आर इंटू आर प्लस एच और हमें किसकी वैल्यू दी गई है तो जो सम है रेडियस और हाइट का वो कितना है सम ऑफ रेडियस एंड हाइट कितना दे रखा है एटीन दे रखा है और इस, ये कितने के इक्वल दे रखा है तो सेवन नाइन्टी टू के इक्वल दे रखा है अब इसको सोल आउट करेंगे हम इसके में वैल्यू पुट करेंगे पाई की वैल्यू बाईस बटे सात इंटू आर इंटू एटीन इज टू सेवन नाइन्टी टू ठीक है इसको कैंसल आउट करेंगे अठारह चौक बहत्तर अठारह चौक बहत्तर और बाईस दूड़ी चवालीस तो जो आर की वैल्यू आ गई ये कितनी आ गई सेवन आर की वैल्यू आ गई और यहाँ से अगर हम आर प्लस एच कितना है एटीन है और ये आर की वैल्यू सेवन है तो एच की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी आ जाएगी इलेवन एच की वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद अगर हम इसका क्या निकालना है वॉल्यूम इसका फाइंड आउट करना है तो जो सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वेयर वॉल्यूम एच जो है वॉल्यूम होता है इसकी वैल्यू पुट कर दो बाईस बटे सात इंटू सात इंटू सात इंटू इलेवन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी वन सिक्स नाइन फोर सोलह सौ सो चौरानवे सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर इलेवन इसके अंदर क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर इलेवन में द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज माइनस थ्री बाई फाइव जो स्लोप है लाइन का वो क्या दिया गया है माइनस थ्री बाई फाइव दिया गया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी आर एक जो कोऑर्डिनेट है इसके पॉइंट दिए गए हैं x माइ एक्स और माइनस थ्री और जो बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं फाइव और टू ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं दो पॉइंट्स के और इसका जो ये लाइन है ए बी इसका स्लोप दिया गया है माइनस थ्री बाई फाइव तो हम देखिएगा जो स्लोप का फॉर्मूला होता है ये क्या होता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन ये स्लोप का फार्मूला होता है इज इक्वल्स टू इक्वल होगा वाई टू क्या है टू और ये वाई वन क्या है माइनस थ्री तो इसको जब हम करेंगे टू माइनस ऑफ माइनस थ्री करेंगे तो कितना आ जाएगा ये फाइव आ जाएगा और फाइव माइनस एक्स करेंगे फाइव माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई फाइव। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा पच्चीस इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन प्लस थ्री एक्स इसको इस साइड कर लेंगे तो इस ये आ जाएगा चालीस चालीस बटे तीन इज इक्वल्स टू एक्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी ये कितनी आएगी चालीस बटे तीन तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कितना आएगा ऑप्शन नंबर ए है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या कहता है कि नीको डेढ़ सौ किलोमीटर की दूरी तय करने में तीस मिनट का अतिरिक्त समय लेता है और यदि वह अपनी सामान्य गति से दस किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से चलता है यदि वह अपनी सामान्य गति से पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से चलता है तो उसे नब्बे किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा तो देखिएगा ये कितनी किलोमीटर की दूरी तय करता है डेढ़ सौ किलोमीटर की दूरी तय करता है और इनका जो डिफरेंस है ये कितना है एक्स इंटू एक्स माइनस टेन डिवाइडेड बाई टेन इंटू थर्टी मिनट में करता है तो इसको जब हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो ये थर्टी अपॉन सिक्सटी हो जाएगा जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से तीन हजार इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स माइनस दस ऐसे एक्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये तीन हजार इनकी मल्टीप्लाई आ जाए तो ये एक्स की वैल्यू होगी साठ और ये वैल्यू हो जाएगी पचास तो जिनकी वैल्यू आ जाएगी थ्री हंड्रेड थाउजेंड ठीक है उसके बाद देखिएगा क्या दे रखा है कि इसमें जो एक्स उसकी जो सामान्य गति है वो कितनी है साठ किलोमीटर प्रति घंटा उसकी सामान्य गति है अगर वो पंद्रह की कमी से चलता है पंद्रह की कमी करता है इसमें तो वो कितनी स्पीड से चलेगा पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगा और जो नब्बे किलोमीटर स्पी जो डिस्टेंस है उसको वो पैंतालीस की स्पीड से कितने घंटे में तय कर देगा तो दो घंटे के अंदर वो इसको तय कर देगा और तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टीन थर्टीन क्वेश्चन क्या कहता है सपोज द क्लास इंटरवल टेन टू फिफ्टीन हैज फ्रीक्वेंसी ट्वेंटी तो क्लास इंटरवल दिया गया है ये कितना दिया गया है टेन टू फिफ्टीन तो जो ये ये क्या है इसकी लोअर लिमिट है लोअर लिमिट है और ये क्या है अपर लिमिट है इसकी और इसकी रेंज कितनी है इस इंटर क्लास इंटरवल की रेंज कितनी है तो फाइव इस क्लास इंटरवल की रेंज है और उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी जो दी गई है ये फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है ट्वेंटी इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है हमें क्या फ़ाइंड आउट करना है देन वट इज़ द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ द क्लास इंटरवल तो हमें इसकी फ्रीकवेंसी डेंसिटी जो है ये फ़ाइंड आउट करनी है फ्रीकवेंसी डेंसिटी जो तो फ्रीकवेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है फ्रीकेंसी C, जो फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल की जो रेंज होती है उससे हमें क्या निकल आती है हमारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी तो जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी फोर ऑप्शन हो जाएगा नंबर फोर्टीन क्या कहता है कि द पैरामीटर ऑफ ए सेमी सर्कल इज ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन सेंटीमीटर सेमी सर्कल क्या होता है हाफ सर्कल तो ये क्या है ये एक सेमी सर्कल है उसके बाद ये ये क्या है ये भी आर है और ये भी आर है और वट इज़ द डायमीटर डायमीटर क्या होगा अगर इसका परिमाप कितना है पच्चीस पॉइंट सात इसका डायमीटर है तो ये क्या होगा ये पाई आर हो जाएगा और इसका परिमाप कितना दे रखा है इन्होंने वाई आर प्लस टू आर आर प्लस आर टू आर ये कितना दे रखा है पच्चीस पॉइंट सात दे रखा है ठीक है और जो पाई की वैल्यू है ये कितनी लेनी है 3.14 ये पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 पॉइंट वन फोर आर प्लस टू आर इज इक्वल्स टू पच्चीस पॉइंट सात तो यहाँ से 5.14 पॉइंट वन फोर आर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा तो यहाँ से जब हम इसको सोल आउट करेंगे तो जो आर है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आर की वैल्यू आ जाएगी फाइव कैसे आएगी देखिएगा इस पे टेन इस पे हंड्रेड ठीक है वन जीरो से वन जीरो कैंसिल और ये कितने पे गया टू पे और यहाँ पे फाइव और ये फाइव जाके इस साइड हो जाएगा तो आर की वैल्यू क्या आएगी फाइव तो हमें क्या निकालनी है डायमीटर की वैल्यू निकालनी है डायमीटर ये पूरा होता है तो आर प्लस आर फाइव ये है फाइव ये है तो डायमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी टेन सेंटीमीटर डायमीटर की वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आठ हजार रुपए की राशि पर दस, दस परसेंट वार्षिक की दर से दो से ही दो बटे वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या है जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो होता है तो देखेगा कि जो दस परसेंट वार्षिक ब्याज है वार्षिक दर है वो दो हजार दो साल के लिए तो दस परसेंट ही रहेगा और जो दो बटे पाँच वर्ष के लिए है ये ये कितना हो जाएगा दस परसेंट का दो बटे पाँच के लिए ये कितनी हो जाएगी फोर परसेंट हो जाएगा इसका इसकी रेट फोर परसेंट हो जाएगी ठीक है और जब हम इसका एस आई निकालेंगे सिंपल एस आई निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा ट्वेंटी फोर परसेंट ट्वेंटी फोर परसेंट होगा और इसका सी आई निकालेंगे जब हम सक्सेसिव मेथड से तो ट्वेंटी वन प्लस फोर प्लस ट्वेंटी वन इंटू फोर डिवाइडेड बाई हंड्रेड ये कितना आ जाएगा तो ट्वेंटी फाइव पॉइंट एट फोर ये आ जाएगा तो इनके बीच में अंतर कितना है 1.84 पॉइंट परसेंट का इनके बीच में अंतर है यही हमें निकालना है और ये कितने का निकालना है तो 8000 का ये हमें निकालना है डिवाइडेड बाय 100 तो ये कितना आ जाएगा ये इज इक्वल टू वन फोर सेवन पॉइंट टू जीरो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर क्या कहता है एक वृक्ष सत्तर मीटर लंबा है ये एक वृक्ष है सत्तर मीटर लंबा है जब सूर्य का उन्नयन कोण पैंतालीस के बजाय तीस डिग्री होता है पहले सूर्य का जो उन्नयन कोण था ये कितना था पैंतालीस डिग्री था उसके बाद जो उन्नयन कोण है ये कितना हो गया तीस डिग्री हो गया पहले ये पैंतालीस डिग्री था ठीक है पहले ये पैंतालीस डिग्री था और यहाँ कितना हो गया थर्टी डिग्री हो गया तो उसके बाद क्या है उसकी छाया x मीटर से छोटी होती है तो जो इसकी छाया है ये x मीटर से छोटी हो जाती है तो x का मान बताइएगा हमें पता है कि जब हमारे जो ये एंगल हैं थर्टी और फोर्टी फाइव होते हैं तो जो ये डी बाई रूट टू है जो साइड होती है डी बाई रूट टू ये वाली जो साइड होती है ये कितनी होती है D बाई टू इंटू रूट थ्री प्लस वन इज इक्ल्स टू सेवेंटी तो इसको करेंगे D इंटू रूट थ्री प्लस वन इज इक्वल्स टू वन फोर्टी और जब हम इसको क्या करेंगे रैशनलाइज करके जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी D की वैल्यू सत्तर इंटू रूट थ्री माइनस वन डी की वैल्यू आ जाएगी और ये जो डी है ये किसके इक्वल है एक्स के इक्वल है तो जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ये क्या आएगी ऑप्शन नंबर बी सत्तर इन टू रूट थ्री माइनस वन डी की वैल्यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्या है इफ़ एक्स वाई इज टू एक्स वाई माइनस सिक्सटीन दे रखा है और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्यर इज इक्वल्स टू वन हंड्रेड थर्टीन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो इसका स्क्यर देखिएगा क्या होगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्यर प्लस टू एक्स वाई ये होगा उसके बाद जो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्यर इसकी वैल्यू कितनी है 113 है प्लस माइनस uh, दे रखा है तो माइनस थर्टी हो जाएगा और जो एक्स प्लस वाई का होल स्क्र है ये कितना आ जाएगा 81 और एक्स प्लस वाई कितना आएगा 9 एक्स प्लस वाई की कि वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है उसके बाद क्वेश्चन उस नंबर 18 दे रखा है कि इफ़ x माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्र प्लस फोर एम एक्स माइनस इलेवन एम देन वट इज़ द वैल्यू ऑफ m हमें इक्वेशन क्या दी गई है कि एक्स स्क्र प्लस फोर एम एक्स माइनस इलेवन एम दे रखी है हमें इक्वेशन और x माइनस थ्री इसका फैक्टर दे रखा है तो x माइनस थ्री इसका फैक्टर दे रखा है तो क्या होगा कि जो x की वैल्यू थ्री होगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी

एम की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस नाइन एम की वैल्यू आ जाएगी तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इनटीन क्या दे रखा है कि एक रेलगाड़ी बिना किसी अवरोध के अस्सी किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है तो उसकी बिना किसी अवरोध के कितनी गति है एसी अस्सी किलोमीटर प्रति घंटा है और अवरोध के साथ यह है चौसठ किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है तो उसके बाद कितनी है चौंसठ इनके बीच का डिफरेंस कितना है सिक्सटीन किसके रिस्पेक्ट में है तो अस्सी के रिस्पेक्ट में है ये सिक्सटीन वन बाय फाइव मिनट रुकती है ये एक घंटे में कितनी देर रुकेगी तो बारह मिनट ये एक घंटे में रुकेगी तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है टेन ऑब्जर्वेशन दे रखी है फाइव नाइन फोरटीन सिक्सटीन एक्स प्लस वन टू एक्स माइनस थ्री ट्वेंटी एट थर्टी थर्टी टू थर्टी फोर आर रिटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखी गई हैं द मीडियन ऑफ द डाटा इज ट्वेंटी फोर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इसमें देखिएगा ये कितनी वैल्यू दे रखी है हमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन हमारे ये ऑब्जर्वेशन हमें दी गई हैं और इसमें जो इसका मीडियन है वो कितना दिया गया है मीडियन कितना दिया गया है ट्वेंटी फोर जो मीडियन होगा इसमें क्या होगा फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स टर्म डिवाइडेड बाय टू ये मीडियन की वैल्यू होगी तो इसमें फिफ्थ टर्म कौन सी है एक्स प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस थर्टीन टू एक्स माइनस थर्टीन डिवाइडेड बाय टू होगा ये इस साइड फोर्टी एट हो जाएगा तो एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व इज टू फोर्टी एट और थ्री एक्स इक्वल हो जाएगा सिक्सटी के इक्वल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी ट्वेंटी एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो ऑप्शन नंबर डी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा थैंक यू फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा थैंक यू